কাফে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে জানানো হয় 1563 জন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অতিরিক্ত সময় ব্যয়ের ক্ষতিপূরণ হিসেবে গ্রেস মার্কস দেওয়া হয়েছিল। কমিটির তরফে ওই 1563 জন পরীক্ষার্থীর স্কোরবোর্ড বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এনটিএ তরফে সুপ্রিম কোর্টে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে পরীক্ষার্থীদের স্কোরবোর্ড বাতিল করা হচ্ছে তাদের আবার পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হবে। আগামী 23 জুন এই পরীক্ষা হবে, 30 জুন পরীক্ষার ফল প্রকাশ। এদিকে নিটের প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ নিয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তিনি বলেছেন যারা দুর্নীতি করেছেন তাদের কাউকে ছাড়া হবে না, কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। ভারত সরকার ও উসকি ইনস্ট্রুমেন্ট এনটিএ কমিটেড হে বচ্চোঁ কো ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। पेपर लीक का मामला आया है सर, कोई पेपर लीक नहीं, बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है, कोई पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूं पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित। कोर्ट में हुआ है, अर्जी डाली गई है, अर्जी अगर किसी ने अर्जी डाला है तो प्रमाण है क्या? कोई क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं है। कुछ जो 1550 बच्चों के लिए जो एक मॉडल अपनाया गया था वो भी कोर्ट रेकमेंडेड एक मॉडल था, लेकिन उसमें से कुछ आनामोली चाहिए, उसके ऊपर भी एक एकेडमिक कमेटी बैठ गई है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, वो सारा दलील अभी अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं कोर्ट के सामने, कोर्ट की फैसला को आने दिया। दो सेट क्वेश्चन 4000 सेंटर में रहते हैं, जजर में नहीं, उसी दिन सुबह कहा जाता है कौन सी सेट ऑफ क्वेश्चन को खोला जाएगा। 6 सेंटर में गलती से जो खुलना चाहिए वो दूसरा खुल गया, उसको फिर आनामोली को ठीक करते हुए आधा घंटा 40 मिनट लॉस हुई, उसमें वो हल्ला हुई है। ऐसा कोई 2 सेट क्वेश्चन अचानक आ गया ऐसा नहीं है, ये सालों से प्रैक्टिस चली आई है। শুরুতে কেন্দ্র তথা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি দাবি করেছিল নিটে কোনো রকম বেনিয়ম হয়নি, কিন্তু বৃহস্পতিবারে সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্র জানিয়েছে ভুল প্রশ্নের জেরে যে 1563 জন গ্রেস মার্কস পেয়েছেন সেই গ্রেস মার্কস বাতিল করে দেওয়া হবে। ওই পরীক্ষার্থীদের পুনরায় পরীক্ষা দিতে বলা হয়েছে, আগামী 23 জুন ফের পরীক্ষায় বসতে হবে ওই পরীক্ষার্থীদের। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं, सरकार उसकी सामना करने के लिए उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है, एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है, पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते सक्सेसफुली कराती है, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो घटना हमारे सामने आई निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। গত 5ই মে নিট পরীক্ষা হয়। দেশ জুড়ে 4750 সেন্টারে মোট 24 লক্ষ পরীক্ষার্থীরা ডাক্তারির পরীক্ষায় বসে। 14ই জুন নিট পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হওয়ার কথা হলেও গত 4ই জুন লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের দিনই নিট পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। রেজাল্ট বের হতেই দেখা যায় 67 জন পরীক্ষার্থী 720-তে 720 পেয়েছে। এর মধ্যে 6 পরীক্ষার্থী আবার হরিয়ানার ফরিদাবাদের একই সেন্টারের। এরপরই দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, পাশাপাশি প্রশ্ন ওঠে গ্রেস মার্কস নিয়েও। নিটের ফলাফল নিয়ে দেশের 7টি হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে মামলাও হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি, বাংলা।